नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। साथियों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एक उद्यमी महिला है जिन्होंने अचार का अपना काम स्टार्ट किया हुआ है और उनको लगभग 20 साल हो गए इस पर काम करते हुए। तो किस प्रकार से उन्होंने इसकी शुरुआत करी और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, इनकी जो जर्नी है उसके बारे में हम कम्प्लीट इनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते मैडम। मैडम, अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताओ, अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस है वो बताइए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बनारसी है, गांव बवानिया, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। और मेरी जो कंपनी का नाम है वह बवानिया पिक्कल, बवानिया पिक्कल के नाम से है। दूसरा हमारा प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह, बालाजी स्वयं सहायता समूह। हम सभी समूह मिल करके और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज से नहीं, 2001 में इस फील्ड में हूँ। जो मेरा अनुभव था, मैंने देखा, करा, सोचा, उनको लेकर के आज तक का जो मेरा अनुभव रहा उसको मैं 2017 के अंदर इस छोटी सी कंपनी का स्थापना की और इसमें मैं महिलाओं के साथ मिलकर के अपना काम शुरू किया। सबसे पहले हमें अचार का काम शुरू किया था, जिसके अंदर सीजन वाइज कोई भी अचार हो। कि हमारी कंपनी का जो हमारा एक सोच थी कि इस ग्रुप का जिले में क्या पूरा देश में नाम हो, काम अच्छा काम हो और काम के साथ हमारा नाम हो कि बवानिया गांव के अंदर भी कोई महिलाएं काम कर रही है। तो हम 2017 के अंदर 10 महिलाएं मिलकर के हमें अचार का काम शुरू किया था। प्रगतिशील टैगोर स्वयं सहायता समूह की 10-11 महिलाओं ने मिलकर के इस काम को आगे उठाया। मैंने उसके साथ मिलकर के रात दिन मेहनत करी और उनको ट्रेनिंग, जगह जगह से ट्रेनिंग दिवाई, KVK महेंद्रगढ़ से की ट्रेनिंग दिवाई, ऊंचाणी से ट्रेनिंग दिवाई और मशरूम की ट्रेनिंग दुआई, हॉर्टिकल्चर से दुआई। जहाँ भी हमें ज़रूरत समझी हम वहाँ वहाँ जाकर इन महिलाओं को सभी को ट्रेनिंग दे करके इनको सभी को हमने तैयार कराया गया। हमने अपनी केचवा यूनिट भी लगाई 40 बेडों की, कि केचवा खाद भी गाय के गोबर से तैयार करके वह भी अपना खेतों में गिरना शुरू करा। और जो आज हमारा खेत की हमारी मिट्टी की रिपोर्ट भी करवाते रहे, समय समय के ऊपर करवाते रहते भी क्या दिक्कत है, कितनी कमी है, कि हम लोगों तक अच्छा खान पान पहुँचाए ताकि उनके बच्चे और परिवार स्वस्थ रहे। यही कहानी हमारे अचार के साथ है। जिस घर के अंदर हमारा अचार चला गया उस घर के अंदर दोबारी बाहर से अचार कोई भी नहीं लेगा। अब मैं आज की हालांकि ही बात करूँ तो अभी मैं 8 दिन पहले हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी स्टॉल लगी थी। स्टॉल के अंदर जो हमने स्टॉल लगाई थी वहाँ आर्य देवव्रत जी आए थे, गुजरात के गवर्नर सर को हमें एक टीट का डब्बा और बाजरा, ज्वार, रागी से तैयार हुई मट्ठी और नमकीन भेंट करी थी। और उनने जब वह डब्बा अपने घर जाकर के खोला तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। मैडम, आपने बताया कि आपने कैसे इसकी शुरुआत करी, अभी अगर हम बात करें तो आपके पास कितनी वैरायटियों के अचार हैं यहाँ पर? मेरे पास आज भी 10-11 वैरायटी अचार की है। किस किस चीज का अचार आप बना रहे हो यहाँ? इसमें राई के साथ हरी मिर्च का अचार है। राई के साथ किसका अचार बताया? हरी मिर्च का। हरी मिर्च का, हाँ, राई का अचार है। ठीक है। दूसरा नींबू का, मेरे पास 3 तरह का अचार है। ठीक है। मीठा नींबू देसी खांड के साथ है, मीठा नींबू मिश्री के साथ है, हाँ, और खट्टा नींबू, 3 तरह का। क्या क्या खासियत होती है जो आप बता रहे हो ना कि 3 प्रकार का अचार है और तीनों आपने अलग अलग बताए? क्योंकि जो शुगर पेशेंट है ना वह मीठा बहुत कम खाते हैं। अच्छा। और जिसने शुगर से थोड़ी सी भी दिक्कत है वह भी बहुत कम खाते हैं। तो जो मिश्री है ना ये हमारे लिए, जैसे ठंडे नींबू भी है, ठंडी मिश्री भी, हमारी सेहतमंद चीजें होती हैं। अच्छा। तो मिश्री से शुगर नहीं होता है। हाँ। और जो हम चीनी डाल देते हैं मीठा नींबू के अंदर तो उससे शुगर होता है। जैसे गुड़ डाल दे तो गुड़ भी बेस्ट है, ऑर्गेनिक गुड़ डाल दे तो वह भी हमारे शुगर वाले पेशेंट उस अचार को खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कम डाला जाता है, कम मात्रा में, कुछ काला नमक और कुछ मीठा, उनका कॉम्बिनेशन बना करके डाला जाता है ताकि वह पेशेंट शुगर वाला भी उसको खा सके। तो उनके लिए अलग अलग से बनाया गया। मतलब आप लोगों की सेहत जो है, जो खराब हो रही है कि भाई केमिकल्स वगैरह का, उनको सुधारने पे काम कर रहे हो आप? मतलब आपका अचार जो एक बार खाता है और वो मतलब दोबारा आपसे जरूर आपसे संपर्क करते हैं, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, इसके अलावा जो और आपके पास जो आपने दूसरा अचार हमारा लेसुआ का है। अच्छा, लेसुआ अचार है। कैरी का 2 तरह का अचार है, एक तो सिरसों का तेल के साथ है जो कि तेल ज्यादा मात्रा में आता है। अच्छा। दूसरा बिल्कुल सूखा है जिसमें सिर्फ ही मसाला है, तेल नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हैं जो चिकना नहीं खाते हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए हम बिल्कुल सूखा अचार बनाया है ताकि हर आदमी अचार खा सके।
तो कैरी का भी हमारा दो तरह का अचार है और तीसरा हमारा आंवले का अचार है। तो आंवला भी आपके पास ये अचार आप बना रहे हो, इसकी जो पैकिंग है वो कितने कितने किलो की करते हो आप? 500 ग्राम और ऑर्डर के ऊपर किलो और 5 किलो। 5 किलो इसकी डिलीवरी आप कहाँ कहाँ दे रहे हो? हमारा पूरा भारत के अंदर डिलीवरी जाती है। पूरे भारत के अंदर डिलीवरी जाती है। आपने जो ये काम स्टार्ट किया था उसके बावजूद आपको क्या क्या समस्याएं आई और फिर धीरे धीरे आपने काम को आगे बढ़ाया, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताओ। जैसे कि शुरुआत में तो कोई भी हम काम करते तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए कम आई क्योंकि हम फील्ड में पहले से ही फील्ड में थे, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत कम महसूस हुई। बाकी कोई भी हम काम करेंगे या कोई दुकान खोलेंगे तो दिक्कत तो सबसे जरूरी दिक्कत तो आएंगी, लेकिन दिक्कत भी सॉर्ट आउट हो जाती है अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो हर दिक्कत दूर हो जाती है। तो हमारे अंदर एक जुनून था कि हमने कुछ करना है, तो जुनून को लेकर के ही हम आगे बढ़े। और वैसे बीच के अंदर हमारे साथ कोरोना का दिक्कत आई बहुत भारी, 2 साल तक आपने पता कोरोना चला तो मार्केट के अंदर जाना आना सारी चीजें दिक्कत हुई, लेकिन उस टाइम भी हमें अपना प्लेटफार्म नहीं छोड़ा, हमने अपने कमरे की एक खिड़की बनाई, खिड़की से हमें लोगों को बाहर अचार पकड़ाया, पैसा लिया और उससे हाथ साफ करके वो भी लिया। मतलब जैसे भी जो समस्या आई उसका समाधान कुछ ना कुछ निकाला हमने, हम उनसे हटे नहीं कि हमें एक बार डर के भीतर बढ़ जाए और उस काम को छोड़ दे, तो हम अपना प्लेटफार्म के ऊपर हमेशा डटे रहे, खड़े रहे। जी हमें बीच शुरुआत में लॉस भी हुआ तब भी हम प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा रहा, भी हमें सहन किया। तो जो आपने अभी ये फैक्ट्री स्टार्ट करी थी 2017 में आप बता रहे हो, जब आपने स्टार्ट करी उस टाइम पे आपके पास आपके साथ कितनी महिलाएं काम कर रही थी और अभी प्रेजेंट में आपके पास यहाँ पे कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? देखो 12 महिला हमेशा मेरे साथ थी। अच्छा। वो आज भी हैं और आज की बात करें तो मेरे साथ 350 महिला जुड़ी हुई है। गाँव का मेरा खुद का संगठन है जिसमें 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं, 10 ग्रुपों का संगठन है और संगठन की मीटिंग भी यहाँ 110 महिलाएं हमारी जुड़ी हुई है हमारे से गांव से, बाकी बाहर गांवों की हैं। अभी आप देख रहे हो वो बचीने से जो महिलाएं आ रही है बचीने से आ रही है, देवास से आती है, खेड़ा से आती है, सुंदरा गांव से आती हैं। तो जितने भी जो लोग ग्रुप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, तो महिलाएं हमारे से टच में रहती हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी आप, अभी हाल में हमें जूट बैग की ट्रेनिंग यही करवाई 13 दिन के लिए। अच्छा। और वो ट्रेनिंग कराने के बाद में हमें सबसे पहले जरूरी समझा कि उसके अंदर हमारी 16 महिला बचीनी गांव से थी, कि हम सबसे पहले बचीनी गांव का काम शुरू कराए बाद में भवानिया गांव में करवाएं, क्योंकि नहीं तो लोगों को मैसेज क्या जाएगा कि अपना गांव के बारे में सोचती है कि हमारे बारे में तो सोचती नहीं है। तो आज बचीनी में भी 6 महिलाएं मिल करके जूट बैग का काम शुरू करवा दिया, उनको 500 बैगों का ऑर्डर भी दिला दिया हमने और उनकी स्टॉल तक भी लगवाई, वहां भी वो बेच के उनकी उत्साह बढ़ी, अब उनको 500 बैगों का ऑर्डर मिला है, वो काम कर रही है रात दिन बड़ी उत्साह के साथ। मतलब ये है कि आप खुद तो सक्षम हो गई, उसके साथ साथ आप में जाओ सोच यही है। हाँ, जो गृहिणी है जो बिल्कुल काम नहीं करी, सिर्फ घर का अपना कर लिया, उसके बावजूद वो आपके पास आती है, आप उनको कुछ ना कुछ रोजगार देते हो, तो वो दिन का ये है कि अपनी जो 200-400 रुपए आराम से बना लेती है वो। मतलब आपने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है कि जो एक अपने साथ साथ इतनी महिलाओं को लेके आप चल रहे हो और उनको एक रोजगार दे रखा है जो बिल्कुल बेरोजगार है और उनको कुछ ना कुछ पैसा कमाने का ऑप्शन मिल रहा है आपके साथ। अगर महिला की थोड़ी सी भी इच्छा है ना कि मैं कुछ कर दिखाऊं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। वो किसी गांव से हो, महेंद्रगढ़ जिले में किसी गांव से हो, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी जितनी उनसे हमारी मदद करेंगे, जितनी हमारे से हो सके उनकी मदद हम उन महिलाओं की करेंगे और हम चाहेंगे कि महिलाएं खड़ी है तो हर गाँव के अंदर महिलाएं काम करे और आगे बढ़े। जितने गाँव में महेंद्रगढ़ जिला में ज्यादा से ज्यादा अगर ग्रुप, आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुपों की महिलाओं को सरकार ट्रेनिंग दे रहा है, बार बार उनको सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, 40% 40 पैसे के हिसाब से ब्याज के लोन दे रहा है, तो सरकार इनकी बहुत मदद कर रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और जिला में मैं तो चाहूंगी कि काम का एक यूनिट हो ताकि ये काम और आगे जोर शोर से बढ़े और महेंद्रगढ़ जिले का नाम सबसे हरियाणा में आगे रहे महिलाओं का और ये महिलाएं सक्षम हो, इनका परिवार चलाने में बच्चा पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं तो सभी बहनों से यही कहती हूँ कि अपना कुछ छोटा मोटा घर में, बाहर मत जाओ, घर में बैठ के कर लो। आजकल मसाला बनाती है घर में करती है, पैकेट बनते हैं घर में बढ़ते हैं, आजकल स्कूल का ड्रेस का ऑर्डर ले लो, अभी घर में बैठ के 10 महिला बना करके सील के ऑर्डर पूरा कर दो। काम बहुत है लेकिन करने वाली बाहर निकले, महिलाएं अगर चाहें
अभी जो आप ये बना रहे हो इसमें आपके साथ महिलाएं काम कर रही हैं, और आप ये जितने वैरायटी आप बना रहे हो इसके साथ साथ है अचार के अलावा किसी और पे भी काम कर रहे हो आप? हाँ, मोटे अनाज के ऊपर, मोटे अनाज के ऊपर मतलब मिलेट्स के ऊपर आपने काफी काम किया है, क्योंकि मुझे याद है कि सुंदरे में एक वो अपना मेला लगा था उसमें मैं भी आया था, मैंने आपको देखा था कुछ लड्डू बना रखे थे आपने। बाजरे के, ज्वार के आज भी है। अच्छा, और कल भी जो मेरे यहाँ किसानों का गठन हुआ है किसान कमेटी का, तो सभी किसानों ने खाया और किसान लेके भी गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। सभी पैकेट लेके गए कांगड़ी के और बाजरे के गूंद के लड्डू हम तैयार करते हैं, बाजरा ज्वार रागी के नमकीन फाफड़े मट्ठी तैयार कर रहे हैं, और हम साथ में अभी 4-5 मशीनें और लेके आए हैं। अब हम उसमें अपनी मूंग दाल, हमारे पास मसाला भी तैयार करते हैं, मिर्च, धनिया और ये हल्दी, तीन चीज तैयार कर रहे हैं फिलहाल हम। बाकी चने की दाल, मूंग की दाल और मेसर, ये ऑर्गेनिक तैयार करते हैं हम हमेशा। यहाँ अभय के भी कहने दी ये मशीन, पूनम मैडम ने दिलाई है, तो उस मशीन से हम बाहर की दाल दलते भी, एक एक दो दो क्विंटल दाल बाहर के दिल्ली गुड़गांव के लोग आते हैं तो तैयार करवा के ले जाते हैं, और हम अपनी खुद की भी तैयार करते हैं। मतलब ये है कि आप ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हो, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने की कोशिश पूरी कर रहे हो। मतलब घर पे अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्या होता है कि अपना सब्जी बनाने में अपना मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, तो ये आप प्रोवाइड करवा रहे हो ऑर्गेनिक। इसके साथ जब फिर हमें मन करता है कि भाई किसी प्रकार का अचार खाया जाए, तो उस अचार में भी आपको अलग अलग वैरायटी के आपके पास अचार हैं, तो आप वो भी लोगों को ऑर्गेनिक प्रोवाइड कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें खाने के लिए तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक प्रकार की कोई चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो अभी हम चाहेंगे कि कुछ आपने जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं वो हमारे व्यूवर्स को दिखाओ, और आपकी जो अंदर जो आपने वो फैक्ट्री लगा रखी है उसका भी हम विजिट करेंगे, और उसके बारे में आपको दिखाएंगे कि कोई भी महिला अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफ़ी स्कीम हमें मिलती है जिसपे मैडम ने बताया कि लोन की व्यवस्था भी, और साथ में उस पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है। अगर हमें इतनी सुविधाएं मिल रही है फिर भी अगर हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं, ना कि कोई और है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैडम ने अपने बारे में बताया, अब इसके बावजूद कि फैक्ट्री उसका विजिट कराता हूँ, और वो जो भी इन्होंने प्रोडक्ट बना रखे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये चने की दाल है। अच्छा, कितनी दालें आपके पास रखी हुई है? हमारे पास ये ऑर्गेनिक मूंग की दाल है। अच्छा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि मसाला, और ये धनिया पाउडर है, ये भी, ये मिर्ची है, जो ये हमें बाजरे की मट्ठी, ये हाँ ऑर्गेनिक गुड़ के साथ में है, बाजरा, ज्वार, रागी तीनों चीज इसके अंदर मिक्स है। कि नमकीन हम जो बनाते हैं ज्वार बाजरा रागी से, कल ही ये कांगड़ी के लड्डू हैं, बाजरे के लड्डू, तो ये बाजरे के गूंद के लड्डू हैं, फाफड़ा, ये बच्चे से कुरकुरों की जगह घूमता खा, तेल नहीं दिखेगा आपको, पेवर सिरसू का तेल के अंदर अचार बना रखा है लेसुए का, क्यों देते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अभी आपने बताई थी राई वाली मिर्ची, राई के साथ में मिर्ची तैयार कर रखी है, हरी मिर्ची, ये है मीठे नींबू, हाँ जी हाँ, ये है मिक्स, हाँ बिल्कुल, ये है आवड़ा, आवड़ा का अचार, और मैंने जैसे कि आपको बताई थी तीनों वैरायटी रखी हैं, ये है ये मिश्री वाला है, ये है ये खांड का है, ठीक है, और ये है ये तीखा है, तीखा और मीठा, तीनों वैरायटी नींबू की तीनों वैरायटी रखी हुई है। सर्दी के अंदर हम आंवले के बहुत से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आंवला जैम, आंवला कैंडी, और आंवला लड्डू, और आंवला का मरुब्बा, और आंवला पाउडर, वो 7-8 आइटम हमारे आंवले के तैयार होते हैं, ये सीजन वाइज सारा काम होता है हमारा। अब ये जितने भी आप ड्राम भरे देख रहे हो कुछ फैक्ट्री में रखे, ये सारे सभी अचारों के हमारे स्टॉक है। ये दाल की है, इससे हम दाल तैयार करते हैं, इसके अंदर हम दाल डालेंगे तो ये छिलका उतारेगी, सिर्फ ही दाल का छिलका उतारेगी, इसके अंदर डालेंगे तो ये दो टुक कर देगी दाल का, अलग अलग कर देगी, और इसके अंदर जब हम दाल डालेंगे तो ये फिल्टर करके और बाहर इस तरफ निकालेगी, मोटा जो दाना होगा यहाँ आ जाएगा, दाल जो बढ़िया होगी इधर आएगी, और जो छिलका होगा उधर जाएगा, इसके अंदर ये फिल्टर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास ये मशीन है, ये सारे मसाले तैयार करती है, सारे मसाले इसी से तैयार होते हैं, और इसके अंदर हम ये देखो अब ज्वार चल रही है, ज्वार की जो पिसाई है ना इसी से करते हैं, तो ये सारे मिर्च,
हल्दी, धनिया हम उससे पीसते हैं, ये धनिया धनिया नहीं पीसती है, बाकी ये सारी चीजें पीसती है। गिल्ला पीसने के लिए, गिल्ला पालक की चटनी कर लो, टमाटर की चटनी कर लो, मूंग को भिगो करके जो मंगोड़ी बनाते हैं तो उसको पीस के फिर इसके अंदर से पीस के तब उसकी मंगोड़ी बनती है। बेसन गट्टा बनाते हैं तो भी इसी से बनते हैं सारी चीज। ये हमारी लहसुन छीलने की मशीन है। लहसुन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हम लहसुन की छिलाई करने के अंदर। एक घंटा के अंदर 10 किलो लहसुन छील देती है अचार के लिए, एक घंटा में 10 किलो। हाँ बिल्कुल। दूसरी ये है हमारी पैकिंग मशीन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इससे पैक करके और बाहर जाता है। छोटी मशीन वहाँ रखी है दुकान में जो डब्बा पैक करती है, और ये जो प्लास्टिक की थैली के अंदर हम जो पैक करते हैं तो उसको पैकिंग ये करती है। ड्रायर जो हर चीज का मॉइस्चर कम करने के लिए, और इसके अंदर ड्रायर के अंदर जैसे कि वैसे तो बिस्कुट के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसने बनाया उसने हमें कहा कि आप बना करके देखना, इसके अंदर बिस्कुट भी तैयार हो जाएंगे, तो हम करके देखेंगे अब इसको तैयार करके भी कैसे क्या बढ़ता है। तो वैसे अचार जैसे परसों में कैरी का अचार डाला 2 क्विंटल, तो इसी के अंदर ड्रायर, मौसम खराब और था, धड़ाधड़ बारिश पड़ रही थी, इसके अंदर धरा, काटा और धरा, एक घंटे में बाहर सूखा के मोस्टर बाहर, तो हाथ के हाथ अचार डल गया, तो वह सभी ये देता है हमें ड्रायर।